सभी पत्रकार साथियों का आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत है। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं, कौन से चरण में कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे ये भी तिथि तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव एक का जिन बाहर आया। आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव सट्टा में UW ने FIR दर्ज की है जिसमें मेरा भी नाम है। बहुत ही सामान्य सी बात है, यदि थाने में या फिर UW में FIR दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाए। FIR की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च की FIR की कॉपी है, इसमें 4 मार्च लिखा गया है और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। रायपुर से नहीं, FIR तो रायपुर में दर्ज हुआ, तो फिर 13-14 दिन तक क्या करते रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लिकर में और दूसरे कोल में सब FIR दर्ज हुआ और तत्काल उसको वेबसाइट में डाल दिया गया, इसे क्यों नहीं डाला गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो महादेव ऐप है इसके बारे में कम से कम रायपुर के और छत्तीसगढ़ के पत्रकार भली भांति परिचित हैं, क्योंकि अनेक बार इसके बारे में आप सबसे मैंने चर्चा कर ली। 2022 में इसके खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज किया, पहला FIR दुर्ग में, फिर रायपुर में, बिलासपुर में, अन्य जगहों में करीब 72 FIR दर्ज किए गए और इसमें लगभग 450 गिरफ्तारियां हुई। उड़ीसा में, बंगाल में, अन्य अन्य प्रदेशों से भी गिरफ्तारियां हुई। इसमें बहुत सारे गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप गिरफ्तारियां हुई, राशि भी पकड़े गए। और ये भी 2022 में, क्योंकि जो जुआ प्रतिरोध अधिनियम है तो बहुत लचीला था, उसे कड़ा बनाने के लिए हमने विधानसभा में इसका इसे बिल भी लाया, पारित भी कराया और लागू भी किया। पूरे देश में महादेव ऐप जो सट्टा है उसके खिलाफ यदि कार्रवाई की गई केवल छत्तीसगढ़ में और थोड़े बहुत ने व्यापक पैमाने पर। और इसमें 1000 से अधिक खाते सीज किए गए, 200 से अधिक ATM कार्ड जब्त किए गए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उनके कोई हेड ऑफिस नहीं है, ये संचालित कहीं और से होता है। इस बीच में रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया, ये विदेश में थे, इसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आते आते इसमें
पानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक के तो यही था कि रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दो ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं। और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम का व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसे पकड़ा जाता है राशि करोड़ों रुपये के साथ, और जो गाड़ी उपयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर अग्रवाल जी के भाई के नाम से वो दर्ज है गाड़ी। और साथ ही उस असीम दास के फोटो अभी वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी के साथ भी उसके फोटो दिखाई पड़ते हैं। उसके घर से भी राशि पकड़ी जाती है। और स्थिति ये, अब मजेदार कहानी ये है कि अभी हाई कोर्ट में जो काउंसलेट जनरल जो दुबई के हैं उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपना बयान दर्ज कराया है जिसमें वो साफ इनकार करते हैं कि शुभम सोनी जो काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर बयान दिए हैं उसे वो साफ इनकार करते हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे, अपनी जिम्मेदारी वो नहीं लेते। उन्होंने लिखा है काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई डस नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। शुभम सोनी का बयान है, शुभम सोनी का जो बयान है उसको उन्होंने इसके कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेते, ये स्पष्ट उन्होंने हाई कोर्ट में ये लिखित जवाब उन्होंने प्रस्तुत किया। अब दूसरी बात यह है, जब आपने FIR दर्ज किया, FIR की कॉपी हमारे पास है, उस FIR की कॉपी में आप देखेंगे कि छठवें नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है और इसमें जो धाराएं लगी है 120B 34 406 420 467 468 471 ये इसमें दर्ज। दूसरी बात यह है कि इसमें जितने महादेव के प्रमोटर और दूसरे लोगों का नाम इसमें उल्लेखित है, लेकिन आप ये जो बॉक्स में आप नाम पढ़ेंगे तो इसमें महादेव बुक ऐप के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन बेटिंग ऐप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया गया जिसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई। इसमें कहीं भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है, इस पूरे जो FIR कॉपी है उसमें कहीं मेरा नाम नहीं है, बल्कि ऊपर में आप देखेंगे तो उसमें शुभम सोनी का नाम है, रवि उप्पल का नाम है, सौरभ चंद्राकर का नाम है, अनिल कुमार का नाम है, लेकिन इसमें कहीं और दूसरे नाम नहीं है। ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक FIR है, जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबाव पूर्वक डाला गया है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये FIR किया गया। दूसरे महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल को हमने ही लिखा था कि इसको महादेव को बंद किया जाए, तो हमारे ही निवेदन पर बंद किया गया, लेकिन बहुत सारे और जो बैकिंग है
बैटिंग ऐप, मतलब इस ऐप में वो दूसरे और उसमें चला लगातार इसको चलाया जा रहा है। आज भी महादेव ऐप कट्टा बंद नहीं है। चार महीना यहाँ राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और केंद्र में पिछले 10 साल से सरकार है, तो अभी ये सट्टा बंद नहीं हुआ है। तो ये क्या मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन पे महादेव सट्टा चल रहा है साय साय? मोदी जी की सुशासन, मोदी की सुशासन गारंटी, मोदी की गारंटी विष्णु की सुशासन, महादेव ऐप चल रहा है साय साय। आज इसके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। जिस प्रकार से अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने अपने वेबसाइट में जिन नामों का जो सूची जारी की गई, 14 ऐसे कंपनी हैं जहां ईडी आईटी के जांच के बाद सत्ता पक्ष के खाते में पैसा डाला गया, वो तारीख भी आप सब जानते हैं, आप सबके पास है। हालांकि कितने लोग चला रहे हैं कितने लोग नहीं चला रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये सारी सूची आपके पास है। और मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाला कोई है तो सट्टेबाज ही है। क्या नाम है उसका भाई? फ्यूचर गेमिंग एम एंड होटल सर्विस, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। ये 2 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक 2022 को उसके पहले छापा डाला और 1368 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया गया, सबसे ज्यादा किसी ने दिया है तो ये फ्यूचर गेमिंग वाले दिए हैं। तो क्या ये जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं महादेव के डायरेक्टर, उसको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि इनके बीच में कोई लेन देन तो नहीं हो गया, कोई सौदा नहीं हो गया? मैं पहले भी आरोप लगाया था कि विदेश से इसको लाया क्यों नहीं गया। कौंसुलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? यह स्पष्ट है कि अब ये आज जिस प्रकार से मीडिया में बात आई है, 4 मार्च को FIR होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। इसका अर्थ सीधा है कि वो राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है या हार मान चुकी है। ये स्पष्ट कि वहां के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीजें लाई गई है। और न केवल राजनांदगांव बल्कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसको अध्ययन करने के बाद, इसको 13-14 दिन में सर्वे कराने के बाद इसको डाला गया है आज संडे के दिन। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो मैं कहूंगा, जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ना इन गिदड़ भक्तियों से ना मैं डरने वाला हूं ना पीछे हटने वाला हूं। एक 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 कर दो प्लीज। हाँ विश्वकर्मा जी, देखिए सीधी बात यह है कि जो सूची है उसमें मेरा नाम डाल दिए हैं, बचत विवरण में मेरा नाम नहीं है। तो एक बात है, यदि सूची में मेरा नाम डाले गए हैं और विवरण में राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों का संरक्षण, तो जब यदि वहाँ वो नाम नहीं है तो यहाँ नाम है, तो जब मेरा नाम यहाँ डाल सकते हैं तो उन अधिकारियों को भी नाम डालना था, उसमें क्यों नहीं डाला गया? उन अधिकारियों का नाम क्यों नहीं है जब इस सूची में? सही है बोला,
इसमें जब मेरा नाम है तो अधिकारियों भी नाम डाल सकते हैं। अब इसमें आप संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारी गण, ओएसडी गण, अज्ञात निजी व्यक्तिगण, ये क्या है? एक एफआईआर में आप कांग्रेस गण लिखते हैं, कांग्रेस गण सबको लिख डाले इसमें। अब निजी, अब मेरे निजी में तो आप लोग भी आते हैं भाई, मेरे सबसे ज्यादा पत्रकारों से मेरे संबंध है मोहन भाई। इसमें किसी का नाम नहीं है इस बॉक्स में, है ना, इसमें मेरा नाम है, तो उस अधिकारियों का नाम इसमें आना चाहिए था। तो इसका मतलब ही ये है कि जानबूझ के बदनाम करने के लिए लोकसभा चुनाव है और इसी मुद्दे पे ये लोग चुनाव में जाएंगे।